ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਟਿਕਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। चंडीगढ़ शहर में जिन लोगों को टिकटें दी गई हैं, क्या वो उस वार्ड से डिजर्व करते हैं? क्या उन लोगों का प्रतिनिधित्व ऐसा रहेगा कि वो शहर की सेवा कर पाएंगे, लोगों के बीच में जा पाएंगे? क्या वो ऐसे लोग हैं जो उनको अपना समय दे पाएंगे? मेरे को नहीं लगता कि ऐसे लोगों को टिकट दी गई है, जिसके कारण से हम जैसे लोगों को बाहर आना पड़ा। हर वार्ड में जो टिकट मिली है वो बाहुबली और दबंग आदमी को मिली है या बहुत पैसे वाले को मिली है। किसी भी ऐसे आदमी को टिकट नहीं मिली जो जनता के बीच में रहता हो। उधर से इल्जाम का जवाब देते हुए कांग्रेस आगू पवन बंसल ने सारे इल्जामों को सिरे खारिज कर देता है। अतः क्या है कि अजय आरोप इसलिए ला रहे हैं क्योंकि उन्होंने टिकट नहीं दिता गया। उनको टिकट नहीं मिली है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और ये ऐसा अक्सर होता है। मैं अभी इस पे और ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। बिल्कुल बेबुनियादी बातें कर रहे हैं और ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनके सवाल मेरे से करें जिनकी कोई हैसियत नहीं हो। हमने सभी को देख के उसके बाद किया है और उनके लिए जवाब आप हमारे से मांगे, ये बहुत मेरे लिए बहुत एक अच्छा ओकेजन नहीं है। चंडीगढ़ नगर निगम चोणा विच पार्टी का प्रचार करने पहुंचे शकील अहमद ने किया कि उनसे तो चंडीगढ़ विच कई अहम मुद्दे ने, पर नोटबंदी एक मुख्य मुद्दा रहने वाला है क्योंकि जनता नोटबंदी तो बेहद परेशान है। उधर बीजेपी का मानना है कि चंडीगढ़ की जनता भी पूरे देश की जनता वांग पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले के नाल खड़ी है। नहीं नहीं, देखिए इलेक्शन में बहुत है जो इस कॉरपोरेशन का फेल्योर है। पिछले इसमें जो किरण खेर जी के एमपी होने के बाद बजट में कटौती हुई है, उसकी है भारत सरकार उनकी होने के बावजूद भी। जो जो अभी के मेयर साहब हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। पुरानी हम ही लोग के समय की योजनाओं को फीता काट के और फाउंडेशन स्टोन लेकर के जो हम लोगों के समय में एक तरह से सैंक्शन था, प्रोजेक्ट फाइनलाइज था, वो सब भी मुद्दे होंगे। लेकिन डिमोनेटाइजेशन से लोग परेशान हैं, इसको भी कंसिडर करें। लेकिन चंडीगढ़ की जो ईमानदार और जो इंटेलिजेंट जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि कोई भी अच्छे काम के लिए थोड़े दिन की मुश्किल जो है वो सहन करने को तैयार हैं। और 30 तारीख तक तो अब वैसे भी हमारे पास 18 दिन रह गए हैं और मुझे लगता है कि ये दिन भी जो है शहर की जनता हमें पूरा सहयोग देगी और 18 तारीख को कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देगी। 18 दिसंबर फैसला हो जाएगा कि किसी तकरीब विच कितना दम है अते किस दे नाल चंडीगढ़ की जनता खड़ी है, क्योंकि उस दिन चंडीगढ़ का वोटर अपनी सब तो वड्डी ताकत अपने वोट हक का इस्तेमाल करेगा। चंडीगढ़ तो दिखा महेश्वरी दिनाल न्यूज एक्सपोर्ट जी मीडिया।